नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर, आज आप लोगों से समास प्रकरण में पहला समास मैं केवल समास की चर्चा करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं केवल समास। केवल समास का सूत्र है शुभ सुपा, शुभ सुपा, शुभंतम शुभंतेन सह सुपा। कहा जहां पर इसकी परिभाषा है केवल समास, यह बेचारा केवल है, बेचारा आदमी बिना चारे का है, इसका किसी भी कोई समाज से कोई लेना देना नहीं है, यह अकेला प्राणी है, स्वतंत्र प्राणी है। कहा कि जिसका किसी, कहा जिसका जिसका किसी अव्ययी तत् पुरुष आदि समास से, तत्पुरुष आदि समास से, जिसका किसी अव्ययी तत्पुरुष आदि समास से कोई संबंध नहीं होता है, नहीं होता है, उसे केवल समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केवल समास कहते हैं। जिसका किसी अव्यय तत्पुरुष आदि समास से कोई संबंध नहीं होता है, उसे केवल समास कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, कहा जहां पर सुप का, सुप का सुप प्रत्यय के साथ, सुप का सुप प्रत्यय के साथ योग हो, उसे उसे केवल समास कहते हैं, उसे केवल समास कहते हैं। दो बातें हैं, सुप का सुप प्रत्यय के साथ योग हो उसे केवल समास कहते हैं, जिसका किसी अव्यय तत्पुरुष आदि समास से कोई संबंध नहीं होता है उसे केवल समास कहते हैं। अर्थात किसी भी समास से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, यह बेचारा अपने आप में ही परिपूर्ण होता है, ठीक है ना। यह बेचारा होता है, किसी से कोई संबंध नहीं, इसमें किसी भी विभक्ति का कुछ ही प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे भूतपूर्व, जैसे भूतपूर्व वागर्थाविव प्रकृत्याः चारुः नैकः। कहा जैसे भूतपूर्व, भूत भूतपूर्वम्, कहा पूर्वम भूतः, भूतपूर्व भूतपूर्वम वागर्था विव नैकः प्रकृति वक्रः, ठीक है। इसमें किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। पूर्वम भूत, पूर्वम भूतः, भूतपूर्वम वागर्था विव वागर्थौ, वागर्थौ इव न एकः नैकः प्रकृत्या वक्रः, प्रकृत्या वक्रः, प्रकृत्या वक्रः, प्रकृति से टेढ़ा, एक नहीं, वागर्था वागर्थव इव बाणी के अर्थ की भांत, पूर्वभूत पहले की, पूर्वभूत माने बहुत पहले की घटना। तो इन भूत पूर्वम वागर्था विव, इन दोनों में सबसे ज़्यादा यह उदाहरण पूछा जाता है, ये उदाहरण जो है बहुत पूछे जाते हैं, इसको विशेष रूप से दिमाग में रखिएगा, ठीक है न। इसमें देखिए, कोई किसी विभक्ति में है तो कोई किसी विभक्ति में है, कोई किसी विभक्ति में है, कोई किसी विभक्ति में है, इसका किसी भी विभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी समाज से इसका कोई संबंध नहीं है।
अर्थात इसमें किसी की भी प्रधानता होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं केवल समास। जहाँ पर सुप प्रत्यय का सुप प्रत्यय के साथ योग होता है उसे केवल समास कहते हैं, जिसका किसी भी अन्य समास से कोई संबंध नहीं होता है उसे केवल समास कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। न व्यय इति अव्यय, न व्यय इति अव्यय, अर्थात जिसका व्यय न हो, व्यय न हो अव्यय, व्यय न हो अव्यय। व्यय का मतलब यहाँ पर है रूप न चलना, ठीक है। अव्यय का मतलब यहाँ पर है रूप न चलना, अर्थात जिसका रूप न चले वह है क्या अव्यय। इसका सूत्र है प्रायेण पूर्व पद प्रधानो व्यय भाव, प्रायेण पूर्व पद प्रधानो व्यय भाव, व्यय भाव प्रायेण पूर्व पद प्रधानो व्यय भाव। प्रायेण माने प्रायः, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रायः जिसमें पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, यह नपुंसक, यह नपुंसक लिंग में होता है तथा उपसर्ग से युक्त होता है, तथा उपसर्ग से युक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे जैसे अधि हरि, उप गंगम, उप तटम, उप नदी, निर्मच्छिकम, कम सुमद्रम, दुर्यवनम, अधिहरि ही विभक्ति के अर्थ में है। तो अधि शब्द जो है यह सप्तमी विभक्ति का प्रतीक है। अधिहरि हरौ इति, उपगंगम, यहाँ जो उप उपसर्ग लगा हुआ है यह समीप के अर्थ में लगा हुआ है। किसी भी पद के पूर्व यदि उप उपसर्ग लगा हो तो यह समीपवाची होता है। तो उपगंगम किसके समीप, गंगा के समीप, तो गंगायाः समीपे, गंगायाः समीपे, गंगा उपगंगम समीपम, उपतटम तट के समीप, तटस्य समीपम, उपनदी
नदी के समीप, तो नद्याः समीपम्। निर्मच्छिकम, यहाँ निर उपसर्ग जो लगा हुआ है वह अभाव अर्थ में लगा हुआ है, तो किसका अभाव? मक्खियों का अभाव। मच्छिकाणाम अभावः, मच्छिकाणाम, मच्छिकाणाम अभावः। सुमद्रम, यहाँ सु जो सु उपसर्ग लगा हुआ है या समृद्ध के अर्थ में लगा हुआ है, मद्र देश की समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि ही। दुर्यवनम, यहाँ जो दुर उपसर्ग लगा हुआ है या नाश के अर्थ में लगा हुआ अर्थात यवनों का नाश, यवनानाम वृद्धि ही, यवनानाम वृद्धि ही, यवनानाम वृद्धि ही। अधिहरि हरौ इति उपगंगम गंगाया समीपम, उपनदी नद्या समीपम, उपतटम तटस्य समीपम, निर्मच्छिकम मच्छिकाणाम भाव, सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि। अति हिमम, अति हिमम, यहाँ हिम का अर्थ है जाड़े की समाप्ति। अति हिमम, हिमस्य, हिमस्यात्य, अत्य माने नाश के अर्थ में, तो हिमस्यात्ययः, यह अत्ययः, हिमस्यात्ययः, हिम माने बर्फ अर्थात जाड़े की समाप्ति। इति हरिः, यहाँ इति जो लगा हुआ है वह शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में लगा हुआ है। हरि शब्द से प्रकाशः, हरि शब्द से प्रकाशः, इति हरिः। अति निद्रम, अति निद्रम, यहाँ निद्रम के पहले जो अति उपसर्ग लगा हुआ है वह अनुचित के अर्थ में लगा हुआ है, ठीक। अति निद्रम निद्रा संप्रतन युज्यते, इस समय निद्रा उचित नहीं, अर्थात कुछ समय में सोना उचित नहीं है, तो निद्रा संप्रति, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय निद्रा उचित नहीं है। स हरिः, स हरिः, यहाँ हरि के पहले जो स लगा हुआ है यह समान अर्थ में लगा, सादृश्य अर्थ में लगा, हरेः सादृश्यम, हरेः सादृश्यम, हरेः सादृश्यम, अर्थात हरि के समान। स तृणम्, स त्रिणम, अर्थात यहाँ स का अर्थ है तिनके के सहित, अर्थात कुछ भी न छोड़ करके, तिणस्य तिणम अपरित्यज्य, त्रिणम अपरित्यज्य, अर्थात तिनके को भी न छोड़ करके। साग्नि, साग्नि, अर्थात अग्निकांड पर्यंत, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अर्थात अग्नि ग्रंथ जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक वह बैठा हुआ। तो इस प्रकार से अतिहिमम, अतिनिद्रम, निर्मच्छिकम, दुर्यवनम, सुमद्रम, अतिहिमम, अतिहरि, अतिनिद्रम, सहरि, सत्रम, साग्नि, यथाशक्ति, उपतटम, उपगृहम, उपागारम, उपविद्यालयम, उपसर्ग से युक्त हो और नपुंसक वाची हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है।
तो आज इतना ही मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से समास प्रकरण में पहला समास में केवल समास की चर्चा करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं केवल समास। केवल समास का सूत्र है शुभ सुपा, शुभ सुपा, शुभंतम शुभंतेन सह सुपा। कहा जहां पर इसकी परिभाषा है केवल समास, यह बेचारा केवल है, बेचारा आदमी है, बिना चारे का है, इसका किसी भी कोई समास से कोई लेना देना नहीं है, यह अकेला प्राणी है, स्वतंत्र प्राणी है। कहा कि जिसका किसी, कहा जिसका, जिसका किसी अव्ययी तत् पुरुष आदि समास से, तत्पुरुष आदि समास से, जिसका किसी अव्ययी तत्पुरुष आदि समास से कोई संबंध नहीं होता है, नहीं होता है, उसे केवल समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केवल समास कहते हैं। जिसका किसी अव्यय तत्पुरुष आदि समास से कोई संबंध नहीं होता है उसे केवल समास कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, कहा जहां पर सुप का, सुप का सुप प्रत्यय के साथ, सुप का सुप प्रत्यय के साथ योग हो उसे, उसे केवल समास कहते हैं, उसे केवल समास कहते हैं। दो बातें हैं, सुप का सुप प्रत्यय के साथ योग हो उसे केवल समास कहते हैं, जिसका किसी अव्ययी तत्पुरुष आदि समास से कोई संबंध नहीं होता है उसे केवल समास कहते हैं। अर्थात किसी भी समास से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, यह बेचारा अपने आप में ही परिपूर्ण होता है, ठीक है ना। यह बेचारा होता है, किसी से कोई संबंध नहीं, इसमें किसी भी विभक्ति का कुछ ही प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे भूतपूर्व, जैसे भूतपूर्व वागर्थाविव प्रकृत्याह चारुः नैकः। कहा जैसे भूतपूर्व, भूत भूतपूर्व, कहा पूर्वम भूतः, भूतपूर्व, भूतपूर्व वागर्था विव नैकः प्रकृति वक्रः, ठीक है। इसमें किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। पूर्वम भूत, पूर्वम भूतः, भूतपूर्वम वागर्थाविव, वागर्थौ, वागर्थौ इव न एकः नैकः प्रकृत्या वक्रः, प्रकृत्या वक्रः, प्रकृत्या वक्रः, प्रकृति से टेढ़ा, एक नहीं, वागर्था, वागर्थव इव बाणी के अर्थ की भांत, पूर्वभूत पहले की, पूर्वभूत माने बहुत पहले की घटना। तो इन भूत पूर्वम वागर्था विव इन दोनों में सबसे ज़्यादा यह उदाहरण पूछा जाता है। ये उदाहरण जो है बहुत पूछे जाते हैं, इसको विशेष रूप से दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए
कोई किसी विभक्ति में है तो कोई किसी विभक्ति में है, कोई किसी विभक्ति में है, कोई किसी विभक्ति में है, इसका किसी भी विभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी समाज से इसका कोई संबंध नहीं है, अर्थात इसमें किसी की भी प्रधानता होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं केवल समास। जहाँ पर सुप्रत्यय का सुप्रत्यय के साथ योग होता है उसे केवल समास कहते हैं, जिसका किसी भी अन्य समास से कोई संबंध नहीं होता है उसे केवल समास कहते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।